मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, जिन्हें उर्दू के साथ इस्लाम की तालीम भी दी जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। यह खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है। उन्होंने मोहन सरकार से इन बच्चों को तुरंत मदरसों से बाहर निकालवाने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक इन मदरसों में इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मध्य प्रदेश के विभागों के साथ समीक्षा बैठक के बाद इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मदरसों में न सुरक्षा के इंतजाम है, न ही NCERT की शिक्षा व्यवस्था लागू है, और तो और यहाँ पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के लिए उनके परिजनों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन प्रदेश सरकार पिछले सालों में एक भी परिजन का सहमति पत्र नहीं दे पाई। कानूनगो ने प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए प्रदेश सरकार से मांग की है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का तत्काल स्कूलों में एडमिशन कराया जाए। शिक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए। बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। आज हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ कंडक्ट कराया है। पार्ले जी बनाने वाली एक मंडीदीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो अलग अलग प्रकार का डेटा था, उसके कन्वर्जेंस के लिए जरूरी निर्देश हमने सभी विभागों को दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।